हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉक्स एकेडमी और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में टू डिजिट नंबर पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि अगर बोलता है आपसे कि सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2, देन फाइंड द नंबर, यानी फाइंड द नंबर, ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि इफ द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, उसके अलावा बोला इफ द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज 2, देन फाइंड द नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले चीज देखो, जब टू डिजिट नंबर पे बेस्ड प्रॉब्लम आता है तो हम टू डिजिट नंबर एज्यूम कैसे करते हैं। तो हम लोग देखो, हमेशा टू डिजिट नंबर को 10x प्लस वाई मानते हैं, यानी क्या बोलेंगे, लेट द नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे सर 10x प्लस वाई क्यों मानते हैं, x y क्यों नहीं मानते। तो उसके पीछे एक रीजन देखो, यहां पे जो x और y होते हैं हमारे यूनिट डिजिट्स होते हैं। यूनिट डिजिट्स का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 में से कोई एक नंबर, ठीक है ना। अब देखो, जो हमारे टू डिजिट नंबर होते हैं, जैसे कोई भी ले लो, 87 हो गया, 66 हो गया, या 54 हो गया, 31 हो गया, कोई भी नंबर हो, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं मैं 8 × 10 + 7, इसको लिख सकता हूं मैं 6 × 10 + 6, इसको लिख सकता हूं मैं 5 × 10 + 4, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3 × 10 + 1, क्योंकि जो यहां पे लेफ्ट साइड में जो डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10, ठीक है ना। तो अगर मैं नंबर को एक्स वाई एज्यूम करूंगा, एक्स वाई का मतलब क्या हुआ, हमारा नंबर है 10x + y, यानी आप एक्स वाई लिखो या 10x + y लिखो, दोनों क्या है, सेम चीज है। लेकिन चूंकि हमें यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्ट कर, मतलब ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है, जब आप एक्स वाई लिखोगे तो मान लो अगर इसको रिवर्स करोगे तो डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा। अब देखो, एक्स वाई और वाई एक्स को ऐड कैसे करोगे आप, यानी एडिशन या सब्सट्रैक्शन में आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर मैं इसको 10x + y लिखा हूं और इसको मैं 10y + x लिखा हूं, तो देखो आप दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। ये 10x + x 11x हो जाएगा और ये 10y + y 11y हो जाएगा, समझ आया। तो इसलिए जब भी हम किसी टू डिजिट नंबर को एज्यूम करते हैं तो क्या एज्यूम करते हैं, 10x + y, जहां पे x क्या होता है, जो नंबर जो डिजिट हमारा टेंस प्लेस पे होता है, y क्या होता है, जो डिजिट हमारा यूनिट प्लेस पे होता है, ठीक है ना। तो देखो, हमने क्या किया, लेट द नंबर 10x + y। अब अगर इसके डिजिट्स को हम लोग रिवर्स करें, यानी x को y और y को x, यानी इस तरीके हो गया, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा 10y + x, यानी नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा, इसको मैं रब कर देता हूं, नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10y + x हो गया। अब एज पर क्वेश्चन, जो सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, ठीक है ना। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले
इस टाइप के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि हम नंबर्स को एज्यूम कैसे करते हैं, उसके बाद से जो इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उसके बेसिस पे हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाता है। जैसे आप क्या करेंगे, इसका सम दिया 66 के इक्वल है, देखो द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66, मतलब 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। अब देखो 10x प्लस x 11x, y प्लस 10y 11y इज इक्वल टू 66। यहां से 11 कॉमन हो जाएगा, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 66। सॉल्व करोगे 11 66 से कट जाएगा, यहां पे 6 आएगा, यानी x प्लस y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड चीज, सेकेंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज दिया है, द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द टू नंबर इज 2। डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब एब्सोल्यूट होता है। जैसे अगर लिखा है 42 तो इसकी डिजिट्स का डिफरेंस लिखा है 2 आएगा, क्योंकि 4 माइनस 2 2 आएगा। अगर यही लिखा होता 24 तो भी इसके डिजिट्स का डिफरेंस क्या आता, 2 आता, क्योंकि हमेशा हम बड़े से छोटे को माइनस करते हैं। जब बात किया जाता है डिफरेंस की तो डिफरेंस हमेशा बड़ा माइनस छोटा होता है, ठीक है ना। तो 42 लें तब भी 2 आएगा, 24 लें तब भी 2 आएगा, ऐसे हम लोग 68 लें तब भी 2 आएगा, 86 लें तब भी 2 आएगा, ठीक है ना। तो डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटा लेते हैं इसलिए, और हमें ये पता नहीं है कि इसमें x बड़ा है कि y, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक बार हम लोग लेंगे x माइनस y इक्वल टू 2, हमने क्या एज्यूम किया x बड़ा है, दूसरी बार हम लोग लेंगे y माइनस x इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं x माइनस y इज इक्वल टू 2, तो देखो एक इक्वेशन हमारा x प्लस y इज इक्वल टू 6, दूसरा क्या हो जाएगा x माइनस y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना, क्योंकि डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर क्या दिया है 2। हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब इसको ऐड कर दो तो y से y कैंसिल हो जाएगा और x प्लस x 2x, यानी 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4। x की वैल्यू जब आपकी 4 आ गई, आप इस इक्वेशन में या तो इस इक्वेशन में किसी एक में पुट करते हैं y की वैल्यू आ जाएगी। मान लो इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो क्या दिया है x माइनस y इज इक्वल टू 2, यानी 4 माइनस y इज इक्वल टू 2, y को इधर लाओ 2 को इधर लाओ तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू y, यानी y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। y की वैल्यू 2 आ गई और x की वैल्यू 4, तो हमारा नंबर क्या था 10x प्लस y, तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, नंबर इज इक्वल टू 10x प्लस y, यानी 10 इंटू 4 प्लस 2, यानी हो जाएगा हमारा 42, यानी जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर था हो जाएगा 42। लेकिन यहां पे अभी क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ, अभी मैंने क्या बोला x माइनस वाई भी 2 हो सकता था और y माइनस x भी 2 हो सकता था, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था डिफरेंस हमेशा बड़े से छोटे को माइनस करके निकाला जाता है। अब हमें पता नहीं था कि x बड़ा है कि y, इसीलिए हम एक बार क्या करेंगे y को x से माइनस करेंगे, यानी अब जो पहले हमारा एक नंबर आ गया 42 इसको भूल जाओ। सेकेंड स्टेप हमने x माइनस वाई को 2 माना था, अब हम क्या करेंगे y माइनस x को 2 मानेंगे, ठीक है ना। तो इसको पूरा मिटा दूं मैं, हमारा एक नंबर क्या आ गया 42, या तो इसको रहने दो, मैं यहां पे बस मिटाता हूं। यहां पे अगर मैं मिटाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा y माइनस x इज इक्वल टू 2। अब देखो अब मैं इसको ऐड करूंगा तो x से x कट जाएगा, यानी आ जाएगा 2y इज इक्वल टू 8, यानी यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अगर यहां से y की वैल्यू 4 आई तो हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करें तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, अगर x की वैल्यू 2 आ गई y की वैल्यू 4 आ गई तो नंबर क्या आ जाएगा हमारा, नंबर जो होगा हमारा आ जाएगा 10x प्लस y, यानी क्या आ जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 4, यानी 24। तो हमारा नंबर 42 हो सकता है, 24 हो सकता है, जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे 42 प्लस 24 66, 42 में डिजिट्स का डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2 2, 24 में डिजिट्स का डिफरेंस क्या है 4 माइनस 2 2, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसके दो आंसर होंगे, एक होगा 42, दूसरा आंसर क्या होगा आपका 24। हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है ना। चलो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।